अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कैप्री का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसके लिए हमने कैप्री की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। कटिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके लिए हमने दो किस्म के डिज़ाइन में लैस ली है। ये नीचे की तरफ हम ये कटाव वाली लैस लगाएंगे और ये दो स्टेप में हमने ये वाली लैस लगानी है। ये कटाव वाली लैस हमने एक गज ली है, ये लैस हमने दो गज ली है क्योंकि ये दो स्टेप में लगानी है और साथ ही हम पिनटेक्स भी लगाएंगे। व्यूअर्स, ये 7.5 इंच पर हमने कैप्री का पौचा तैयार करना है। तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने 8.5 इंच पर ये लैसेस को कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम इन लैसेस को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह। ऐसे ही अब हम तीसरा स्टेप लगाएंगे। व्यूअर्स, ये सिलाई लगाते हुए हमने लैस के तीनों स्टेप स्टिच कर लिए हैं। इस लैस की चौड़ाई 4 इंच है। 38 इंच पर हमने कैप्री तैयार करनी है। यहाँ पर हमने 3 पिनटेक्स डालनी है। तो पिनटेक्स का मार्जिन रखते हुए हमने 37 इंच पर इस कैप्री को तैयार कर लिया है। अब हम ये लैस लगाएंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच पर फोल्ड करते हुए इस लैस के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये पिनटेक्स डालने के लिए 1 इंच की दूरी पर हम इस तरह निशान लगाएंगे। अब फिर से हम 1 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे। ये देखिए, इंची टेप को सिलाई के ऊपर रखते हुए ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र और प्लाजो पर भी बना सकते हैं। अब फिर से हम एक और निशान लगाएंगे 1 इंच की दूरी पर। ये निशान लगाने से हमारी प्लेट्स बिल्कुल सीधी तैयार होती हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये पिनटेक्स डालते हुए हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पौचे पर भी बनाएंगे और साथ ही हम इसे बंद करते हुए साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये साइड की सिलाई लगाते हुए हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।